अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर 15 है, जो कि JWT ऑथेंटिकेशन के ऊपर है। तो आज के लेक्चर में हम इसका थोड़ा सा शुरू में ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि इसको चलाने के लिए कौन कौन से पैकेजेस चाहिए होते हैं, ये किस तरह चलता है और इसका मेन यूज़ क्या है। तो उसकी देखेंगे, शुरू में थोड़ी सी थ्योरी पार्ट है, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो आज का जो एजेंडा है वो है JWT ऑथेंटिकेशन का, उसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉल कैसे होता है और इसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर जो आसान लफ्ज़ों के अंदर जो ये काम करता है, वो उसका काम ये है कि ये आपके जो होते हैं आपकी स्टेट जो होती है या आपका जो सेशन होता है उसको मेनटेन करने के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा होता है। कि जिस तरह फ़र्ज़ करें एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर यूज़र जो है वो लॉगिन करता है, अपनी डिटेल्स डालता है और उसके बाद अबाउट मी पे जाता है, तो उसको उसी की डिटेल नज़र आती है और वो फिर ब्राउज़र को जब बंद करके दोबारा से आता है तो उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अबाउट मी पे जाता है तो उसको उसी की डिटेल नज़र आ रही होती है, किसी और की नहीं आ रही होती। तो वो उसका सेशन एक स्टोर हुआ होता है, तो एक यूनिक आईडी होती है वो स्टोर हुई होती है, जो कि कुकीज़ के अंदर भी यूज़ हो रही होती है, जिससे उसको वो जो चीज़ है वो नज़र आ रही होती है या उसकी स्टेट मेंटेन हुई होती है। तो ये हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि ये किस तरह हो रही होती है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम देखेंगे कि आपको नोड JS चाहिए, जो कि आपके पास हो गई। .env भी हमने इंस्टॉल पहले किया हुआ है, हमने उसके ऊपर काम किया था, और Express.js routes को हैंडल करने के लिए, और NPM जो होता है जो कि इसका टोकन को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होगा। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसका यूज़, हम साथ साथ इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह यूज़ होता है। तो चलें, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सिंपल लिखें JWT, तो ये पहली आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, इसकी लाइब्रेरीज वगैरह ये सारी इसके बारे में जो डिटेल है यहाँ पे लिखी होगी, और ये इस पैकेज को इंस्टॉल करने की भी जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे लिखी होगी। ये इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसकी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। तो अगर आपने इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है तो वो ये इसकी वेबसाइट है, आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है, जैसे हम बाकी जो वो थे पैकेजेस उनको इंस्टॉल करते थे, ये पैकेज भी बिल्कुल उसी तरह आपने कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया मेरे पास, और यहाँ पे आके टर्मिनल पे आप पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल होने लग जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह इंस्टॉल होने के बाद ये आपके पास डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी जिस तरह हमने बाकी की हैं, और उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं, इसको चला के देखते हैं कि यूज़ किस तरह होगा और इसका क्या यूज़ होगा और ये किस तरह काम करेगा और ये किस तरह टोकन को डेटाबेस के अंदर स्टोर कराएगा। तो सबसे पहले तो हमने जहाँ पे इसको यूज़ करना है वहाँ पे इसको एक्वायर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको जो है वो एक्वायर कर लेना है, जिस तरह भी आप रिक्वायर करते हैं, जिस तरह बाकी ये एक्सप्रेस को रिक्वायर किया हुआ इसी तरह आपने ये रिक्वायर कर लेना है, कौन JWT रिक्वायर। तो अब JWT वेरिएबल के अंदर सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आ चुकी हैं। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और डेटाबेस में किस तरह टोकन स्टोर होगा और इसका क्या यूज़ होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको वहाँ पे जनरेट कराना होगा जहाँ पे यूज़र पासवर्ड इंटर करेगा। इंटर करने के बाद उसका जब पासवर्ड स्टोर हो जाएगा या पासवर्ड उसका मैच हो जाएगा सॉरी, तो उसके बाद आपने एक JWT टोकन डेटाबेस में स्टोर कराना होगा, जिससे जो कि यूनिक होगा हमेशा। तो जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड मैच होगा, ये फील्ड है, ये इससे पहले हमने बिग्रिप देखा था, पासवर्ड कंपेयर हुआ और वो अगर मैच हो गया तो इफ़ पासवर्ड इज इक्वल्स टू मैच तो डिस्प्ले करा दे पासवर्ड इज़ मैच। तो जब पासवर्ड इज़ मैच हो जाए तो हम यहाँ पे सिंपल एक कोड लिखते हैं जो कि JWT टोकन को ओरिजिनेट करेगा, उसको बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट टोकन हम बनाने लगे हैं इज इक्वल्स टू यूज़र लॉगिन, यूज़र लॉगिन डॉट generate auth
टोकन, इसके ऊपर मैं आता हूँ कि फंक्शन अभी मैं डिफाइन करूँगा जाके, तो ये सारे जो वो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये मैंने वेरिएबल के अंदर इसको जनरेट कराया, और उसकी जो भी वैल्यू रिटर्न वगैरह होगी वो टोकन में स्टोर कराई है। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर टोकन को डिस्प्ले भी करा लेता हूँ, ताकि ताकि जब वो जनरेट हो तो मुझे लॉग के ऊपर वो डिस्प्ले भी हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे यूज़र लॉगिन डॉट जनरेट ऑथेंटिकेशन का फंक्शन है। अब जनरेट ऑथेंटिकेशन का फंक्शन है कहाँ पे? बेसिकली हो रहा क्या है कि जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, पासवर्ड को यूज़र लॉगिन डॉट पासवर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो इस मैच के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होगी। वैल्यू रिटर्न होने के बाद अगर तो वो मैच हुआ है तो ये वाला चेक चलेगा, अगर नहीं हुआ तो ये वाला चेक चलेगा। तो बेसिकली हमें एक जो है ना उसके अंदर वो मिल रहा होगा, पूरा डॉक्यूमेंट मिल रहा होगा। तो डॉक्यूमेंट जो वो मिल रहा होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा, जिसको अभी हम डिफाइन करेंगे। तो हम यूज़र स्कीमा पे आते हैं, इसी तरह हमने इसके ऊपर भी इसको एक्वायर कर लेना है। एक्वायर करने के बाद हमने सबसे पहले ये हमने डिफाइन किए थे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, वर्क, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो हमने एक टोकन्स की फील्ड को नया ऐड करना है इसके अंदर। ये एक टोकन की फील्ड है, ये एक टोकन की फील्ड नई ऐड की है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने बाकी चीज़ें ऐड की थी। अगर मैं इसको कहूँ कि मैं आपके सामने भी इसको ऐड करके दिखा देता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ और जिस पहले यही इस हालत के अंदर था, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक टोकन का नई फील्ड ऐड करा देता हूँ, टोकन्स। टोकन दे डिफाइन करेंगे टाइप, उसकी स्ट्रिंग कॉमा रिक्वायर ट्रू, ठीक है। अब इसके ऊपर तो ज़्यादा बताने के लिए ये एरर हम चेक करते हैं कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। हाँ जी, वो एरर इसलिए आ रहा था कि वो मैंने डिलीट करके सेव नहीं किया था उसको। अब मैंने इस फील्ड को सेव कर दिया है, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर एरर ख़त्म हो गया। वो इसलिए एरर आ रहा था कि मैंने इसको डिलीट तो कर दिया था, लेकिन वो पुराना सेव हुआ हुआ था, जिसकी वजह से दो दफ़ा टोकन्स वो मेमोरी के अंदर रीड कर रहा था, तो ये एरर आ रहा था। अब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसको डिक्लेयर करने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, ऊपर वाले तो इस तरह नहीं हुए। तो मैं आपको बताता चलूँ, अरे हमने डिक्लेयर किया, ये अरे है, एक टोकन्स की अरे है, जिसके अंदर जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो अभी हम इसको देखेंगे ये किस तरह जनरेट होगी, किस तरह ये यूनिकली जो है ना उसके अंदर अरे जनरेट होती जाएगी, तो ये हम आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले हमने इसका स्कीमा डेवलप कर लिया कि मतलब जब भी हम उस फील्ड को बनाएंगे, क्रिएट होगी वो, जब इनिशिएट होगी तो वो डेटाबेस के अंदर उसकी फील्ड मौजूद हो, स्कीमा के अंदर वो मौजूद हो। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे आ जाएंगे, यूज़र स्कीमा के नीचे। यूज़र स्कीमा के नीचे आने के बाद यहाँ पे हम एक मेथड डिफाइन करेंगे, ठीक है।
जनरेट ऑर्थ टोकन का, जो हमने जिसका नाम हमने डॉट लगा के लिखा था। तो यहाँ पे मैं यूज़र स्कीमा लिखता हूँ डॉट, ये मेथड्स होगा, आपने मेथड नहीं लिखना, मेथड्स लिखना है। अगर मेथड लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जनरेट ऑथ टोकन इक्वल्स टू ए, ये एसिंक फंक्शन है जो कि मैं बता चुका हूँ, जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, ये एसिंक फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद इसके लिए ट्राई कैच ज़रूरी है, तो ट्राई कैच हम इसका लगा लेते हैं। जी, उसके बाद सिंपल सी बात है, हमने इसको साइन करना है। जी डब्ल्यू टी टोकन जो है वो एक तो साइन करता है जी डब्ल्यू टी टोकन को और डेटाबेस में स्टोर करता है। तो हम क्या करते हैं, लेट टोकन, ये अब हम साइन करने लगे हैं टोकन को। जे डब्ल्यू टी, जे डब्ल्यू टी क्या चीज़ है, जे डब्ल्यू टी हमने ऊपर एक्वायर किया हुआ है ये वाला, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आई हुई हैं। तो जहाँ से ये जो भी फंक्शन वगैरह होगा इसका जे डब्ल्यू टी का कौन करेगा साइन। उसके बाद ये यहाँ पे पेलोड लेता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने यूनिक वैल्यू जो है ना उसकी उठानी होती है। तो यूनिक फील्ड आपको पता है उसके अंदर एक आईडी की फील होती है, फील्ड होती है हमेशा, जब भी डॉक्यूमेंट जनरेट होता है तो उसके अंदर एक आईडी यूनिक जनरेट हो रही होती है। वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा अभी। तो वो वाली आईडी यहाँ पे डालेंगे। ठीक हो गया, ये वाली आईडी जो डेटाबेस में पड़ी है और दिस डॉट आईडी जो जनरेट होके आ रही है वो वाली आईडी। उसके बाद हमने इसको सीक्रेट की पास करनी होती है, प्रोसेस डॉट, उसकी भी मैं आपको बताता हूँ, env डॉट e सीक्रेट अंडरस्कोर की। सीक्रेट की हमेशा जो है वो हम डिस्प्ले नहीं करा रहे होते, सीक्रेट होती है वो, और वो कॉन्फिग डॉट env के अंदर डिक्लेयर की होती है। जिस तरह डेटाबेस और पोर्ट थी, ये सीक्रेट की है, सीक्रेट की का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मिनिमम 32 करेक्टर होने चाहिए ये, तो ताकि सिक्योर हो कि, तो ये मैंने एक रैंडमली करेक्टर लिए हुए हैं, तो ये यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने पास की है, प्रोसेस डॉट env सीक्रेट की। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इस टोकन को यूज़ करना है, दिस डॉट टोकन इज इक्वल्स टू दिस डॉट टोकन्स। ठीक हो गया, ये वाला टोकन जो है, उसके बाद ये वाला टोकन्स दिस डॉट, ये वाला टोकन्स। उसके बाद एक फंक्शन है कॉनकैट का, वो कॉनकैट कर देगा, यूं समझे आप उसके साथ, उसके आगे कॉनकैट कॉनकैट कर देगा इस टोकन को दिस डॉट टोकन के अंदर। टोकन्स है ये वाला टोकन्स, उसके अंदर टोकन है ये वाला टोकन, उसको ये वाला टोकन पास कर दिए, उसके अंदर स्टोर आ जाएगा। अब एक लास्ट काम इसके अंदर करना है, आपको पता है ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो दिस डॉट सेव और रिटर्न टोकन। रिटर्न टोकन हम आगे बताऊंगा आपको कि हमने रिटर्न क्यों कराया यहाँ पे, क्योंकि हमने ये आगे यूज़ करना होगा इस फंक्शन को। तो यहाँ तक ये हो चुका है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद इसको हम दोबारा चला के देखते हैं, एक दफ़ा हम उसको वहाँ पे देख लेते हैं।
ये फंक्शन भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो अब हम इसको चला के देखते हैं ऐप डॉट जे एस को, कि इसके अंदर कोई इश्यू तो नहीं है। डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट तो वो हो चुका है। अब हम अपनी जो मोंगो डीबी उसके अंदर उस और पोस्टमैन से भेज के देखते हैं। अभी देखें, जो मैं यूनिक की बात कर रहा था आईडी की, वो ये वाली आईडी थी जो हमेशा यूनिक होती है। ये देखें कि हमेशा यूनिक डॉक्यूमेंट के अंदर एक आईडी जनरेट होती थी, जिसको अभी हमने यूज़ करके JWT टोकन को हम जनरेट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, जो कि हमने पेलोड की जगह था इंसर्ट किया था वो। तो अब हम इसके अंदर कुछ भेज के देखते हैं। ये 300 पोर्ट के ऊपर साइन, ईमेल और पासवर्ड भेजते हैं, जो कि हमारे पास पहले पड़ा हुआ है इनक्रिप्टेड डेटाबेस के अंदर। यूज़र एरर, तो हमें पहले ये रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। इसकी पोर्ट 300 पे चल रहा है। चलें जी, यूज़र रजिस्टर abdullah3@gmail.com, 123 पासवर्ड है, abdullah3 कर लेते हैं इसको। पासवर्ड इज़ मैच, पासवर्ड मैच हुआ है। अब इसको JW टोकन जो है वो साइन करना चाहिए। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं। हाँ जी, ये देखें, हमने जो लॉग में डिस्प्ले कराया हुआ था अपने पास, यहाँ पे जनरेट करते हुए जो टोकन हुआ था जिससे प्रॉमिस रिटर्न किया था, तो ये लॉग में JWT जो हमारा टोकन था वो यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है। और अभी हम चेक करते हैं कि डेटाबेस में आया है या नहीं आया डाटा, यहाँ पे रिफ्रेश करके। देखें, ऊपर वाले के अंदर बिल्कुल ये टोकन की फील्ड नहीं थी, नीचे वाले के अंदर ये आ चुका है। और ये डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ। अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये स्टोर क्यों नहीं हुआ। फील्ड आई है उसकी एरे की, लेकिन ये डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या एरर है, क्या मसला है, जो ये टोकन खाली है। फील्ड ऐड हो गई है बट टोकन जो है वो सही जनरेट नहीं हुआ। जी, तो इसके अंदर जो है ये यहाँ पे टोकन्स आता है, दिस डॉट टोकन्स इक्वल्स टू दिस डॉट टोकन, ये इस वाले टोकन्स की बात कर रहा है। ये इसके अंदर कॉन्कैट करो इस टोकन को जो कि नया जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे टोकन्स आना था, जिसकी वजह से वो फील्ड का थोड़ा सा इशू था, जिसकी वजह से वो एम्प्टी कर रहा था। तो अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। पुरानी वाली फील्ड को डिलीट कर लेते हैं और एक नया रजिस्टर करके देखते हैं। रजिस्टर हो गया, पासवर्ड भी मैच हो गया। मैच होने के बाद एक दफ़ा हम रिफ्रेश करते हैं इसको। रिफ्रेश होने के बाद देखेंगे टोकन ऐड हो गया, और वो बता रहा है कि एक जो है ना इसके अंदर आ गया, जिसकी आईडी ये है और टोकन जो है जनरेट होके गया है। और वो यहाँ पे भी हमें टोकन दिखा रहा है नीचे। तो इस तरह टोकन जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो गया बहुत ही सिंपल तरीके के साथ, और ये बहुत यूज़फुल टोकन है। इसको हम बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे जब हम आगे इस्तेमाल करेंगे इसको। तो ये सक्सेसफुली हमारे पास स्टोर हो गया, जैसे यूज़र का पासवर्ड मैच किया। तो अगले के अंदर हम देखेंगे कि हम इसको कुकीज़ में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बस हमारा जो ऑलमोस्ट बैकएंड था वो ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर फ्रंट एंड में रिएक्ट देखेंगे, और ये सारा कुछ उसके साथ लिंक अप कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी जो है ओवरव्यू हो जाएगा, और बहुत ही एक अच्छी एप्लीकेशन बन जाएगी, जिसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं। पूरा क्रड हो रहा होगा उसके अंदर, यूँ समझ लें आप।
ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।